हे व्हाट इज अप एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं प्रिजन एस्केप। तो गाइस इस बार जो है हम अंडरग्राउंड लेबोरेटरी से जो है एस्केप करने वाले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट और जल्दी से करते गेम में एंटर। तो ओके गाइस, अभी जो है हम गेम में एंटर कर गए और यहाँ पर जो है एक लेबोरेटरी, अभी देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा सामान मिलता है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है मुझे नीचे कुछ नोट्स दिखाई दे रहे, मगर इसे हम जो है पिक नहीं कर सकते। और यहाँ पर शायद से कुछ वेंटिलेशन की तरह कोई चेंबर लग रही मुझे। ओके गाइस, तो ये से जो है मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे मुझे जो एक वायर दिखाई दे रही, मगर इसे शायद से काटने के लिए हमें कोई टूल चाहिए, तो वो देखते। तो इधर एक डोर, ये तो ओपन नहीं हो रहा। इसके बगल में जो है मुझे एक कोड दिखाई दे रहा है, तो शायद से इसके अंदर इसका कोड हो सकता है, मगर यार हमें कोड डालना पड़ेगा। तो इसमें जो अलग अलग डिजिट आ रहे, ये कैसे मिट रही मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो अभी देखना पड़ेगा। तो एक मिनट यार, इसका क्लू तो इधर ही कहीं होगा यार, दूसरी रूम भी मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो इसका हिंट कहाँ ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 01 तो कुछ तो दिखाई दे रहा है। ओके, तो 15 नहीं यार, एक कुछ अलग ही मिस्ट्री दिखाई दे रही मुझे। तो एक मिनट, इसका जो कोड है हमें यही कहीं ढूंढना होगा, शायद से ये कि यही डोर ही लगता है यहाँ पे। तो नहीं गाइस, इस डोर का जो कोड है ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो शायद से हमें मिस्ट्री खुद से सॉल्व करना पड़ेगी। तो यहाँ पर 0 तो लग गए और ये रहा 1, तो मतलब 0 और 1 तो ये ठीक ही है, मगर हमने कुछ कोड रॉन्ग डाल दिया, तो शायद से ये फिर से चालू हो जाएगा। ओके, तो ये फिर से चालू हो गया, तो 0 1 अभी देखते हैं। तो 0 1 के बाद 1 आ रहा है, अभी देखते हैं 2। ओके गाइस, तो 2 तो हो गया, फिर से 2 देखते हैं। नहीं यार, ये तो नहीं हो रहा। ओके 1 अभी देखते हैं, 2। ओके 2 तो हो गया, अभी देखते हैं 3। ओके 3 भी हो गया, 6 से 5। एक मिनट गाइड, मैं अभी समझ गया इस कोड का जो मतलब है, यानी कि हमें ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे जो 0 डाल दिया, अभी 0 प्लस 1 तो मतलब ये 1 हो गया। अभी 1 में 1 प्लस करना पड़ेगा, मतलब जो पिछला नंबर है वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मैं 1 कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे होगा 1 और 1 2, अभी 2 प्लस 1 यानी 3, और प्रीवियस नंबर हमारा 3 के बाद था 2, यानी 3 प्लस 2 5, अभी 5 प्लस 3 यानी कि 8, अभी 8 प्लस 5 जो होगा वो होगा 13, अभी 13 प्लस 8 तो ठीक है 21, अभी 21 प्लस 13 के तो अभी 34 प्लस 21 ये तो हो गया, और 18। ठीक है गाइस, ये जो हमारा कोड है ये हमने सॉल्व कर दिया, तो अभी लगता है हमारा जो यहाँ पे डोर है ये ओपन हो गया। तो ओके गाइस, यहाँ पर जो हमारा डोर था ये अभी ओपन हो चुका है, तो जल्दी से करते हैं हम अगले रूम में एंटर। तो ओके गाइस, अभी जो है हम अगले रूम में आ गए और यहाँ पर जो काफ़ी सारा सामान दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसे देखते यार, इसमें भी एक कोड डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है अलग अलग शेप दिखाई दे रही है, मगर इसका यूज कैसे करना है ये तो नहीं पता। तो ये किसी मशीन से कनेक्ट है शायद, मगर यार इसकी कुछ मूवमेंट भी नहीं हो रही। तो ओके ठीक है, पहले देखते इधर क्या क्या सामान है। तो नहीं यार, ये भी वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये मशीन जो है इसके थ्रू हमें इसे कोड को ओपन करना है, मगर ये मशीन चालू नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपर लेवल लेबोरेटरी लेबोरेटरी और लोअर लेवल लेबोरेटरी, शायद से ये लिफ्ट के कुछ बटन है। तो ठीक है, पहले ऊपर जाकर देखते। नहीं यार, ये तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये ओपन भी नहीं हो रहा, शायद से ये बंद है। और यहाँ पर जो है गाइस एक नंबर लिखा हुआ है 15, तो शायद से ये भी किसी का कोड हो सकता है। तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर और कौन सा सामान हमें मिल सकता है। इधर एक रूम, ये तो पिछले वाली रूम है, तो इसे हमें ओपन करना है, तो इसे कैसे ओपन करें ये भी नहीं पता। तो शायद से गाइस इस मशीन के जो केबल है ये डिसकनेक्ट है, तो इसे देखना पड़ेगा हमें कि ये किधर है। ये केबल तो इसी मशीन में लगी है, मगर ये चालू क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। अभी देख सकते हैं आप, ये रही ग्रिप। एक मिनट, इसके अनुभव जो एंटर करके इसको, नहीं यार ये तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। तो शायद से इसे ओपन करने के लिए हमें टूल चाहिए होगा, तो ये जो है शायद से स्क्रू ड्राइवर या स्पैनर से जो है ओपन हो सकता है, मगर ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि किधर है। मैं भी देखता हूँ इधर और कौन सा सामान मिल पाता है। ओके गई, तो ये जो ड्रावर था ये तो ओपन हो चुका है, और ये ड्रावर के अंदर जो है हमें एक केमिकल मिल गया है Z4 नाम का, और इसके नीचे शायद से एक प्लायर है या फिर कटर। ओके, तो ये प्लायर है, तो प्लायर तो हमने ले लिया, शायद से इसकी केबल हम कट कर सकते हैं। नहीं यार, ये तो वो नहीं कर सकते, तो इसका यूज़ देखते हैं। नहीं, ये भी या अभी यूज़ नहीं होगा या अभी नहीं। तो यार इस प्लायर का यूज़ कहाँ पे करना है कुछ पता नहीं। एक मिनट यार, मुझे याद आ गया, पीछे यहाँ पे वायर था। ओके गई, तो वायर जो है हमने इस प्लायर से जो है कट कर लिया,
अभी देखते हैं आगे। तो ये वायर अभी एक मिनट, वायर तो यहाँ पे मिसिंग है, तो ये वायर यहाँ से लग सकती है। ठीक है गाइस, ये जो हमारी वायर थी वो यहाँ पे लग चुकी है, मगर ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा अभी भी। तो शायद से केमिकल यहाँ पे यूज़ आ जाए। ओके गाइस, तो ये जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ओके, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और ये जो स्क्वायर है उल्टा वाला, तो ये लगाना होगा हमें। तो देखते हैं, ये हुआ ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल। नहीं यार, ये फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे जो एक ट्रायंगल खुल गया है, तो अभी देखते हैं आगे काम। तो यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है ये भी चेंज हो गई, मतलब इसकी जो मिस्ट्री है ये यही कहीं पे होगी, तो अभी देखना पड़ेगा। तो यार ये जो पजल है तो ये हमें इसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ का बटन दबाते तो इस साइड का जो व्हील है ये मूव करने लगता है, तो अभी देखना पड़ेगा कि इसका क्या करना। ओके गाइस, तो शायद हम इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव क्यों नहीं हो रहा, अभी देखते हैं इधर कुछ हुआ है। ओके, थोड़े से जो मूव हुआ है, तो शायद से मुझे लग रहा है कि इनकी जो साइड है ये इधर लानी है इस साइड से। तो अभी देखता हूँ इन्हें ऐसा एडजस्ट करके, तो ठीक है इसको भी इन्हें मूव कर दे। ओके, तो ये तो हो गया, अभी मुझे स्क्वेयर करके देखना होगा। तभी ये स्क्वेयर पर जो मैंने मूव कर दिया, फिर से एक बार करके देखता हूँ। ओके, अभी फिर से तो मूव हो गया। अभी और एक बार, नहीं यार ये तो नीचे ही जा रहा है। अभी ट्रायंगल को देखता हूँ एक बार। ठीक है, ट्रायंगल को मैंने मूव कर दिया, नहीं ये साइड हो गया, तो ये तो नीचे चला गया यार, ये हमें दूसरी साइड ले जाना होगा। ओके, तो इस तरफ आ गया। तो अभी लग रहा है मुझे शायद से बीच वाला ऊपर ले जाना होगा, स्क्वेयर वाला। तो अभी देखते हैं इसे ऊपर ले जाके। नहीं यार ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं जरा। ओके गाइस, ये तो ऊपर चला गया, मगर यार ये फिर भी ओके गाइस, तो ये जो ओपन हो गया, तो मतलब ये जो मिस्ट्री है हमें ऐसे सॉल्व करनी। तो ओके गाइस, इस मिस्ट्री को जो है हमें ऐसे सॉल्व करना था, इसकी जो साइड से एक ही लाइन में हमें लानी थी, मतलब ये जो एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए था। ओके, तो इस मिस्ट्री को जो है हमने सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पर जो है हमें एक स्पैनर मिल गया, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं लिफ्ट के अंदर। तो गाइस शायद से यही स्पैनर हमें काम आएगा। तो ठीक है, अभी जो इसके स्क्रू तो हम डिले कर सकते हैं स्पैनर से, तो जल्दी से जो है हम इसके सारे के सारे स्क्रू जो है डीले करते थे। तो ठीक है, ये चौथा भी हो गया। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके यार, इसके अंदर भी कोड है, तो यहाँ पे कोड लगा है 50, तो इसे ट्राई करके देखते हैं। नहीं यार, इसके तो साइड ही चेंज हो गई, तो इसके दो लाइट तो लग चुके हैं। तो अभी देखते हैं बाकी की साइड्स। तो यार एक ही सेमेस्टर कुछ पता नहीं चल रही। तो म्यूजी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, ओके, और अभी इसका क्या यूज़ है इस केमिकल का, ये भी नहीं पता हमें। तो ये का काम आएगा, तो ये तो नहीं पता। तो यार 50 का क्या मतलब हुआ, अभी तो पता नहीं मुझे। तो यहाँ पर जो है दो लाइट तो लग चुकी है गाइस, मगर बाकी के जो लाइट्स है ये नहीं जल पा रहे। तो नहीं यार, ये जो पजल है ये कुछ अलग सा ही लग रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है इसे देखना पड़ेगा। शायद से इसकी जो हिंट है ये इधर ही कहीं हो सकती है, तो देखना पड़ेगा अभी इसके अंदर। तो ये यहाँ पे कोई नोट भी नहीं है, और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा सामान है। इस रूम में तो कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से इसे जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा इसका क्या पजल है। ये 15 तो जैसे मैंने लगा दिया है, यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गई, मगर अभी बाकी के कोड्स हमें देखने पड़ेगी। तो मैं यार ये तो कुछ पता नहीं चल रहा इसका। तो अभी गाइस ये जो पजल है, तो इसमें दो लाइट तो जल चुके हैं, मगर ये जो दो लाइट जल चुके हैं, तो इसका शायद से कुछ तो मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो मिस्ट्री के कुछ तो नंबर जो सॉल्व हो चुके। तो अभी देखना पड़ेगा, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो मतलब इसका तो कुछ मतलब होगा ही। तो एक मिनट में देखता हूँ इसे ऐड करके। ओके, तो 6 और 5 11 4, तो ठीक है, तो लाइट जल चुका। ओके, तो गाइज ये जो पजल है अभी मैं समझ गया, मतलब अभी जो आप देखिए कि यहाँ पे जो है दो लाइट है ये जल चुके, तो इसके जो रो के और कॉलम के जो नंबर है डिजिट, तो इसकी जो एडिशन है ये 50 आती है। तो इसे ही करके हमें ये भी लाइट जलानी होगी, तभी जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो बाकी के कॉलम्स और रो है, तो इसकी भी एडिशन 50 लानी होगी, तभी ये जो पजल है ये सॉल्व होगा। तो ठीक है, हम जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होगा 1 मिनट, ये TR पे डाल दो, तो ये 152। ओके, तो हो गए। अभी हमें बाकी के नंबर देखने होगी, तो यहाँ पे 147। तो भाई यहाँ पे जो है दो पजल तो सॉल्व हो चुके हैं, तो अभी जो है हमें पहले और तीसरे लाइन के जो कोड है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो हम 50 लाने की कोशिश करेंगे, तो अभी देखना पड़ेगा। तो पहली लाइन में तो ये 50 नहीं जा रही, ये 7 और +4 और +1, नहीं यार। तो ये पहली लाइन का जो ये तो 12 ही जा रही, और ये जो तीसरी लाइन है तो इसका देखना पड़ेगा अभी। तो शायद से हमें इसे फिर से शफल करना पड़ेगा,
और ये जो कोड है दो लाइन के, तो इसे भी कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि इन सब लाइन के जो है एडिशन 50 आ सके। तो अभी देखते हम, तो एक काम करता होगा इसमें अभी बाकी के नंबर भी जो है शफल करता हूँ। ओके तो ये हो गया 1, तो ठीक है ये हो गया 8 1 6 यानी कि 15। अभी जो ये नीचे के नंबर्स को देखना पड़ेगा, तो ये आपके 7 ला के देखता हूँ मैं। तो ठीक है भैया, आपके जो है हमारे 3 लाइट तो जल चुके, अभी बचे हुए हमारे नीचे के, तो इन्हें भी देखना पड़ेगा। तो शायद से हो जाएगी, नहीं यार ये तो नहीं हो रहा, तो शायद से हो रहा है, आपके कुछ जो है अलग करना पड़ेगा। तो ठीक है मुझे 3 यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक लाइट तो जल चुका है, अभी हमें बाकी के नंबर देखने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है ये भी पजल सॉल्व हो चुका है और शायद से हमारी लिप चालू हो गई। तो ठीक है हमारी लिप चालू हो गई, अभी हम दूसरे रूम में चलकर देखते। तो ओके गाइस, यहाँ पर जो है हम एक दूसरे रूम में आ गए। तो गाइस यहाँ पर जो एक लॉकर है, तो ये तो अनलॉक नहीं थी। तो ठीक है इसके लिए शायद से हमें चाबी चाहिए होगी। तो यहाँ पर एक वायर है, इसे भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक ब्लू वायर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें एक फिर से केमिकल मिल गए, तो इसका नाम है आर्यमेट। तो ठीक है ये भी हमें शायद से कहीं आगे काम आएगा, तो ये आपको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर यार ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई दे रही। ओके तो इसे जो है हम एक बार केमिकल यूज करके देखते, नहीं आ रही तो यह अभी काम नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे। तो इस रूम में और तो कुछ सामान हमें नहीं मिल रहा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें एक ओके ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर एक और ट्रांसपेरेंट फिल्म मिल गई है, तो इसे यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो शायद से यहाँ पे कोई नंबर बन रहा है। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ तो दिखाई दे रहा है। ओके तो वैसे यहाँ पे जो एक नंबर बन गया है 5, तो शायद से इसके आगे भी हमें और नंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें और एक ट्रांसपेरेंट फिल्म चाहिए होगी, तो भी देखना पड़ेगा कि वो हमें कहाँ कहीं लेगी। तो ये तो एक नंबर 5 बन गए। शायद से जो ये एक नंबर वाला है वो आपके 2 बनने वाला है, और दूसरे नंबर पे शायद 8 हो सकता है, तो ये कोई 285 नंबर भी हो सकता है, कहीं का कोड हो, तो भी देखते हैं हम। तो इस रूम में तो और कुछ सामान नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो ये तो हमारी लिप्टी है। तो अभी देखते हैं या फिर और कुछ है या नहीं। तो यार ये ऐसे या अभी काम नहीं आ रही। तो ओके गई थी, यहाँ पर जो एक क्रोबार तो हमें मिल गए। ठीक है, तो इस क्रोबार का यूज़ करके जो है हमने गई थी ड्रॉअर ओपन कर दिया, तो इसके अंदर भी हमें और केमिकल मिल गए, तो ये Z5 है। तो अभी जो है हमने 3 केमिकल को कलेक्ट कर लिया है, अभी देखते हैं हमें और क्या क्या मिल सकता है। तो शायद से इस रूम में जितना भी सामान था हमने ले लिया है, अभी हमें जाना पड़ेगा आगे, तो हम जल्दी से चलते हैं लिफ्ट में। तो पहले हम ऊपर आए थे, तो अभी हम ग्राउंड पर चलते हैं, देखते हैं अभी हम कहाँ। ओके गए, तो ये तो वही रूम है, अभी और नीचे चल के देखते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी और एक ट्रांसपेरेंट फिल्म यहाँ पे मिल गई है, और हमें एक फिर और एक मिल गई है। तो अभी ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे शायद से कोड है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मिसिंग है बैटरी। तो ठीक है गाइस, हमें यहाँ पे जो एक फिर से एक रूम में आ गए, तो ये शायद से नीचे का फ्लोर है अंडरग्राउंड वाला, तो यहाँ पर जो है फिर से एक हमें कोड डालना होगा। तो इस कोड तो ओपन नहीं हो रहा, तो एक नहीं यार इस कोड के जो नंबर से ये भी क्लिक नहीं हो रही। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया था कि इसमें बैटरी नहीं है, तो ठीक है इसमें बैटरी तो नहीं है। तो ओके गाइस, ये जो बैटरी यहाँ पर लगने वाली है, तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो 2 नंबर की बैटरी मिसिंग है, और यहाँ पर एक डोर भी है, तो ये जो डोर है ये तो इसी कोड से ओपन होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है और नोट्स भी। तो ओके गाइस, यहाँ पर जो है कुछ सामान रखा हुआ है लेबोरेटरी का, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ कांच के ग्लासेस है, तो इसे क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं है। तो ठीक है यार, यहाँ पर जो है और एक फिर से एक पजल आ गए, तो इसे हमसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम इसे, तो ये जो कागज़ के टुकड़े, तो इसे हमें पहले लगाना पड़ेगा यहाँ के। तो एक मिनट देखता हूँ इसे ट्राई करके। तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे लगेगा, और ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पर वही शायद से कोई इक्वेशन बन रही, तो हमें तो नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं, हम जो जल्दी से इसे जोड़ देते हैं। तो इन शायद से यही नहीं आ रही है, तो यार नहीं लग रहा। हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा लगने वाला है। तो वैसे यहाँ पर ये वाला लग गया, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला लग जाएगा। ओके यार, ये तो इतना तो हमने सॉल्व कर दिया गाइस, अभी देखते हो तो ये ठीक से नहीं लग रहा है। तो ओके जान दीजिए, कोई बात नहीं, ये तो हो गया। ओके गाइस, तो ये तो इतना हो गया, अभी देखते हैं बाकी का।
तो ये वाला शहर से बदल ही थे ना यार, ये तो यहाँ से निकल के आ रहे। तो इसे जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है गाइस, इतना तो मैंने सॉल्व कर दिया। अभी ये वाला जो है पीस, तो अभी ये जो कागज़ का पीस है ये ऊपर लगेगा, तो इसे मैं यहाँ आके लगा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ये तो हो गया, अभी देखते हैं बाकी का। तो ये बाकी का कहाँ पे लगेगा अभी तो नहीं पता। तो शायद से इधर। ठीक है यार, ये तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लग गया, अभी ये और देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर और पीसेस कहाँ पे गाइड्स दिखाई नहीं दे रही। तो ठीक है, ये जो पूरा पजल था तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन बन गए, तो इसका क्या मतलब है ये तो नहीं कर रहा। तो ये जो इक्वेशन है ये तो काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर जो कुछ नंबर से बन गए, तो शायद से कोड है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 8+5 यानी 13, 13+8 21 और 21+4 25। तो ठीक है, इतना तो समझ आ गया, मगर ये नीचे का क्या है, 100°C+8025=ND026। तो अभी एक काम करते गए, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे एक केमिकल्स है, तो गए इन्हें हम भर देते हैं इन ट्यूब में। तो ठीक है, ये रहा आ रहा मेट, तो ये शायद से ओके। तो ये Z5 है और ये जरा Z5। ओके यार, तो ये जो Z5 था इसमें डाल दिया, अभी Z4 भी डाल के देखता हूँ। ठीक है, और अभी ये RMH भी डाल के देखता हूँ इसमें। ओके गाइस, तो इसे मैंने इसमें डाल दिया। तो अभी जो गाइस हमने इसे बर्न किया, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो शायद से इस कागज़ पर डालना होगा, तो नहीं यार लगता है ये फिर से करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी डालते हैं फिर से Z4 और उसके बाद जो है RMH। ओके गाइस, तो ये हमने आग लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो नहीं यार ये तो हो नहीं रहा फिर भी। तो एक मिनट गाइस, शायद से हम यहाँ पे कुछ गलती कर रही, तो इसे सॉल्व करने के लिए लगता है हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो 8+5 यानी 13, 13+8 और 21+4। तो ओके गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी कांच की ट्यूब है इस पर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए, 8, 4 और 5 और उसके आगे जो इक्वेशन। तो ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 8+5 है तो पहले इससे ऐड करते हैं, फिर इसे और इजिकल टू 13। तो हम इसे बर्न करते हैं। ठीक है, जैसे हमें बर्न करना शुरू कर दिया, तो नहीं यार ये तो फिर से हो गया है। ठीक है, इसे हम बर्न करेंगे, फिर इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा और फिर बाद में 4। ओके गाइस, तो अभी मैं समझ गया, 8+5। ठीक है, तो इसे तो कर दिया हमने। तो एक बार फिर से करके देखते हैं गाइस, शायद से इस बार हो जाए। तो अभी हमें इसमें 8 भी ऐड करना है, तो नहीं यार ये फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार फिर से। ओके, फिर से एक बार ऐड करके देखते हैं और अभी देखते हैं इसमें 4 ऐड करके। ओके, तो हो गया, अभी फिर से इसे बर्न करते हैं हम। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था ये रेडी हो चुका है। तो ठीक है, हमने इसे कलेक्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये बन गया है ND026। तो ठीक है, अभी इसका यूज़ कहाँ पे करना है, शायद से बैटरी में आ सकता है। तो गाइस हमारा जो ये केमिकल था तो इससे हमने बैटरी बना दी, तो अभी इस बैटरी को जो यहाँ पे यूज करते और एक कोड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस अभी इस कोड का क्या नंबर है हमें नहीं पता। तो गाइस जैसे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट फिल्म थी, तो इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा पहले। तो ठीक है, हम सीधा चलते सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए, अभी इसका यूज करके देखते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पे हमने फिर लगा दी। ओके गाइस, तो ये जो है ये 4-डिजिट वाला कोड बन रहा है यहाँ पे, 2854। तो ठीक है, यहाँ पर जो 2854 बन रहा है, शायद से यही वहाँ का कोड होगा उस डोर का। तो गाइस अभी हम चलते सीधा वहाँ पे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पे। तो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड फ्लोर पे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है हम आ गए, तो हमारा कोड था शायद से 2854। तो नहीं यार, ओके गाइस, तो ये जो है कोड ओपन हो गया है और यहाँ पर जो ये लिफ्ट आ चुकी है, तो शायद से हमारा स्किप करने का रास्ता है या फिर कहीं पर ऊपर जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्लिक करके। तो ओके गाइस, अभी जो है मैंने अंडरग्राउंड लैबोरेट से जो है स्किप कर लिया है। तो ठीक है गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।